सही, अभी आ गए सारे लोग, देखें ध्यान से। 24, अच्छा 24 हो गए थे, 25 होगा। देखें दिया है, दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए 38 किलोमीटर पर आर और 46 किलोमीटर पर आर की चाल से चलना आरंभ करते हैं। दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट जाता है और वह रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। अगर ए से बी के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो तो कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? टू मैन लीव ए टूवर्ड्स बी एट द सेम टाइम। देखो ध्यान रखना कि कैसे चल रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सीधी सी बात कि दो पॉइंट है ए और बी और दोनों लोग ए से बी की ओर चल रहे हैं, दोनों लोग ए से बी की ओर चल रहे हैं, दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ए से चल रहा हो एक बी से। यही बात मैं कल आपसे कह रहा था कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सब एक जैसे नहीं है, देखने में एक जैसे लगते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों ए से बी की ओर 38 किलोमीटर पर आवर और 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। अब बताओ दोनों 36 और 46 की स्पीड से चले हैं तो सबसे पहले बी पर कौन पहुंचेगा? पहले बी पर पहुंचेगा ये जो तेज चल रहा है, भाई तेज चल रहा है तो ये पहुंच जाएगा। तो तेज चलने वाला बी पे जब पहुंच जाएगा, लेकिन धीरे चलने वाला अभी रास्ते में ही कहीं होगा। जब ये बी पे पहुंच जाएगा तो ये डी में चलने वाला तो अभी रास्ते में ही कहीं होगा और ये यहाँ पहुंच के फिर वापस आना शुरू कर देगा। ये अभी रास्ते में जा रहा है, आप इमेजिन करें, आप सिचुएशन को समझ पाए, और रास्ते में एक जगह पर इन दोनों का मुकाबला हो जाता, रास्ते में दोनों मिलते हैं। समझो बात को भी, ये जो है ये तेज गति से चल रहा है, ठीक है ना। द सेकेंड मैन रीचेस बी एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, वो दूसरा आदमी बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक। और रास्ते में पहले आदमी को मिलता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 210 किलोमीटर, दोनों लोगों के बीच में 210 किलोमीटर की दूरी है तो कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे? अब ध्यान से पहले देखो भाई, ए से बी तक 210 किलोमीटर है, तो ए ये वाला जो था 46 वाला, ये 210 किलोमीटर चल के यहां तक पहुंचा होगा। फिर यहां से वापसी में भी इसने कुछ किलोमीटर सफर तय किया, कितना भी मान ले, 15 मान ले, 20 मान ले, कुछ किलोमीटर सफर इसने तय किया और बाकी का सफर इसने तय किया। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की, तो आप कहोगे 210 गुणा दो। भाई दोनों मिलकर कितना चले? जैसे मैं और आप दोनों लोग यहां से पीलीभीत जाए और 40 किलोमीटर की दूरी, समझना, तो अगर मैं कहूं दोनों ने कितनी, और दोनों अपनी अपनी बाइक से जा रहे हैं तो दोनों को 40 40 80 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी, 40 मैंने चलाई 40 आपने चले। तो वही सिचुएशन है कि अगर ए से बी की दूरी 210 किलोमीटर है तो 210 तो ये गया, फिर बाकी ये जो ये वाली 210 है ये दोनों ने मिलके कवर की, कुछ दूरी ये गया और कुछ दूरी ये गया, दोनों ने मिलके यात्रा कितनी की है? 210 गुणा दो मतलब 420, समझ रहे ना, दोनों ने मिलके इतनी यात्रा देखी। पूछ रहे कितने समय बाद मिलेंगे? आपको पता है टाइम बराबर होता है चली गई दूरी बटे चाल, चली गई दूरी बटे चाल स्पीड। अब बात है स्पीड की, ध्यान से देखो, इसमें कई बार डाउट होगा, जब हम कहते हैं कि दोनों लोग एक तरफ को चलते हैं तो हम चालें घटा देते हैं और आपको लगेगा दोनों एक तरफ को चल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना जहां से चले हैं उसको नहीं देखते हैं, जहां पे मिले हैं उसे देखते हैं। जहां पर ये मिले हैं उस समय ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे थे, विपरीत आ रहे थे, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो एक की चाल 38 है और एक की चाल 46, तो चली गई दूरी बटे स्पीड, टोटल स्पीड, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाएंगे दोनों ने मिलके, क्योंकि दोनों ने 420 यात्रा की है और इस चाल से की है, दोनों की चाल को जोड़े, सही है ना। तो ये हो गया 420 बटे, ये कितना आएगा, 8 6 14, 8 84, 84 से भी ये 5 बार कट जाएगा, 42 का दुगना होता है, 5 घंटे, 5 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। मैंने कहा फॉर्मूला तो एक ही है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी को भी कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो पूछो। भैया ए ने पूरी दूरी थोड़ी चली है अभी, ए ने थोड़ी पूरी दूरी मतलब हाँ, पूरी दूरी थोड़ी चली है। तो भी अगर मान लो ए ने पूरी दूरी नहीं चली है, तो हम मान ले कुछ भी मान लो 150 किलोमीटर चली, ठीक है ना, और टोटल दूरी 210 थी, तो बाकी की 60 किलोमीटर दूरी ये बी ने वापसी में तय की है ना, वापसी में बी ने एक्स्ट्रा चला है। हाँ, बी ने एक्स्ट्रा चला है, मतलब ए ने 210 से कम चला है, बी ने 210 से ज्यादा चला है, लेकिन दोनों ने मिलकर कितना चला है, 420। ठीक है ठीक है, जितना ए ने कम चलाया उस दूरी को किसने चलाया, बी ने, लेकिन दोनों ने मिलकर तो 420 चलाया ना। ठीक है भैया, बताएं कोई डाउट है इसमें, किसी और को कुछ भी पूछना है बोल के पूछो भाई। सर इनकी 200 गुणा क्यों हो रही है 210 × 2? हाँ वही मैंने बताया, फिर देखो दोबारा से, देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कौन बोल रहा है, आकाश जी? सर हाँ, देखो आकाश, यहाँ से एक आदमी 46 की स्पीड से चला और यहाँ से एक आदमी 38 की स्पीड से चला, तो देखो पहले कौन पहुंचेगा, ये 46 वाला जी सर, भाई जो तेज चलेगा वो पहले पहुंच जाएगा, और पहुंचते ही ये वापस फिर इसी रास्ते पे वापसी शुरू कर देता है, और रास्ते में ये अभी जा रहा था, ये अभी पहुंचा थोड़ी था, तो ये इसे रास्ते में यहाँ पे कहीं मिलेगा, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ उसने पूछा है टाइम, और टाइम बराबर होता है चली गई दूरी बटे चाल, और चली गई दूरी कितनी है, दोनों ने मिलकर कितनी दूरी चली। देखो भाई ए ने चली है 210, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 210 किलोमीटर, और इधर भी देखो इन्होंने 210 और चली है, जिसमें से कुछ दूरी ए ने चली है कुछ दूरी बी ने चली है, तो कुल मिला के टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 210 प्लस 210, आप इसे 210 में 210 जोड़ें या 210 का दोगुना करें, बात तो एक ही है जी सर। बताओ आकाश, दिक्कत है कोई? जी सर ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन पूछ के आप लोग खुद को म्यूट कर लिया करें, जब पूछना हो तो अनम्यूट किया करें और बोलें, और बेझिझक पूछें जो भी पूछना हो। तो असल में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पहचान पाए। अगर आप क्वेश्चन को पहचानते हैं तो आप क्या करेंगे, इस दूरी को डबल कर देंगे 420 और इस चाल को जोड़ देंगे 84, तो टाइम आ जाएगा कितना, 5 घंटे। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं तो इस लायक आपको होना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को पहचान के सीधा ये लिखें और वो सब ना करें जो अभी हमने किया था। समझ पाए अभी बात को, आगे बढ़ चले। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, दो आदमी एक ही समय ए और बी से 60 और 45 की स्पीड से चलते हैं, दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है और वह रास्ते में पहले आदमी से मिलता है, ए और बी की दूरी 315 किलोमीटर, तो कितने समय बाद मिले। मैंने आपसे कहा टाइम बराबर होता है चली गई दूरी, और चली गई दूरी 315 की दोगुनी होगी, किसी को डाउट हो तो बोलो, और स्पीड, स्पीड दोनों की जोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने से आके मिल रहे हैं, ऐसे में 60 और 45 जोड़ेंगे 105, 105 से जो काट दो 3, 3 × 2 = 6, तब का आंसर आ गया अभी 6 घंटे। अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप इतना ही करोगे, अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो तो देखो कंपटीशन है ये। किसी को भी कोई डाउट हो, ये मेहनत का काम है। पुराने जमाने में होता था कि 3 महीने में किसी ने तैयारी कर ली, किसी ने 5 महीने में कर ली, कंपटीशन था नहीं कोई। आज भी हम वैसे ही लगे हुए हैं, जबकि आज का टाइम बदल गया। आज तो आपको पढ़ना है बस, तब तक जब तक हो ना जाए, विदाउट एनी सेकंड थॉट। सही है भाई, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है,
हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए 12 और 24 की स्पीड से चलते हैं। टू मैन लीव्स ए टुवर्ड्स बी एट द सेम टाइम एट अ स्पीड ऑफ 12 एंड 24 किलोमीटर पर आवर। द सेकंड मैन रीचेस बी एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट्स फर्स्ट मैन ऑन द वे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 90 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर दे मीट। ठीक है ना, तो गलतियां इंग्लिश में बारीक बारीक सही कर लेते हैं। बहुत बढ़िया तुषार, अनुभव, दीपक, सलोनी, बहुत बढ़िया। सलोनी आप वही सलोनी हो जो शाम वाले बैच में आते थे, आप बीटीसी वगैरह करते थे शायद, पूरा ग्रुप आता था 3-4 लोगों का आपका। अच्छा आप वो नहीं, आप क्लास आते थे क्या, क्लास आए हैं कभी? ठीक, आप ऑनलाइन वाले हैं, मतलब शायद आप ऑनलाइन वाले पहले नहीं, दूसरे दूसरे स्टूडेंट। सही है भाई, देखें फिर इस क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अभी देखो, पहले तो आप अगर टाइम की बात करें, अगर मैं आपसे पूछता कितनी देर में मिलेंगे तो आप कोई झंझट नहीं करते, आप कहते 90 का दुगना कर देते 180 और स्पीड को जोड़ देते हैं 12, 24, 36। क्यों जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे रट लो कि ऐसे होता है, समझ के करो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 36 × 5 = 180। अगर मैं आपसे पूछता कितनी देर बाद मिलेंगे तो आप कहते 5 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, आप इसे समझना, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है ना, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और पहले ये आदमी 12 से चला, ये 24 से चला, ये 24 वाला यहाँ पहुंच के फिर वापसी करते हुए इस वाले आदमी को कहीं पे मिला रास्ते, ठीक है ना। पूछ रहा है ए से दूरी कितनी है, ध्यान से देखना, ये जो ए वाला आदमी है ये 12 किलोमीटर हर घंटे जाता है, एक घंटे में 12 किलोमीटर, और 5 घंटे में ये यहां से यहां पहुंचा है। देखो कह रहा है 5 घंटे में मिल गए, हमने अभी फाइंड किया, तो अगर ये एक घंटे में 12 जाता है तो बताओ 5 घंटे में कितनी दूर तय चला जाएगा, 12 × 5 = 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 12 × 5 = 60 किलोमीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि सबके आंसर पहले ही आ गए थे। सर अगर पूछेगा बी कितना चला तो 24 से गुणा कर देंगे उसकी, तो चला ही नहीं भाई आकाश, बी एक पॉइंट है, बी नहीं चल रहा है। नहीं सर, दूसरा वाला जो चलेगा वापस, जो आपने बिल्कुल जो चल के सर वापस आ रहा है वो। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गया, मैं कह रहा था कि आपने वही बात कह दी कि कोई आदमी खड़ा हुआ चाय पी रहा था, कोई दूसरा आदमी आके उससे पूछ रहा भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, तो उसने कहा सड़क तो कहीं नहीं जाती, सड़क यहीं रुकी हुई है, लोग जाते हैं, तो बी नहीं चल रहा, बी तो एक पॉइंट है, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, दो लोग हैं, एक 24 की स्पीड से चलता है, एक 12 की स्पीड। अगर वो पूछता बी से कितनी दूरी पर मिले, तो देखो अगर यहां से यहां तक की दूरी 60 है, यहां से यहां तक की दूरी 90 है, तो इधर कितनी दूरी बची होगी, 30 किलोमीटर बची होगी आकाश। अगर पूछता बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो बी से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, यही पूछा था आपने जी सर, ठीक है ना, क्लियर है जी सर, ठीक है। ठीक, इसमें हिंदी इंग्लिश में फर्क है क्या? हाँ हिंदी इंग्लिश में फर्क है, सही कर देते हैं, 22, 33,
इंग्लिश वाला इसमें पिछला वाला सेम छप गया है 165, सही है। फिर पूछ रहा है दो आदमी ए से बी के लिए 22 और 33 की स्पीड से जाते हैं, बी पर पहुंच के दूसरा आदमी वापस लौट आता है, रास्ते में पहले आदमी से मिलता है, ए से बी की दूरी 165 हो तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आसान बात है भाई, कुछ करने वरने को है नहीं इसमें, कोई सवाल ही नहीं। 165 का दोगुना 330 और दोनों की चालें जोड़ लें तो 55 से ये 6 बार कटेगा। अगर मैं आपसे पूछता कितने घंटे बाद मिलेंगे तो आप कहते 6 घंटे बाद मिलेंगे, और क्योंकि ए से दूरी पूछ रहा है तो ध्यान से देखो ये जो 22 की स्पीड से चला है, 22 की स्पीड से ए से चला है, ये 6 घंटे में उस जगह पहुंचा है जहां ये आपस में मिले, तो 22 अगर हर घंटे चलता है 6 घंटे में कितना चलेगा 132 किलोमीटर। बताओ भाई किसी को समझ में ना आ रहा हो तो, जो लोग YouTube पर ही देखते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो एनरोल हुए हैं लेकिन YouTube पर ही देखते हैं जो मैं क्लास भेजता हूँ, तो आप लोग समझे कि यहाँ पे आप पूछ सकते हो एकदम से डायरेक्ट, कोई बात नहीं समझ में आती। YouTube पे ये दिक्कत रहती है कि फिर आप कैसे पूछेंगे। भाई किसी को भी कोई डाउट है आप लोगों में से, किसी को नहीं, आगे बढ़ चले। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दो आदमी एक ही समय ए से बी, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये मेरे ख्याल से जो सबसे पहला वाला था दूसरा वाला, अच्छा ये वो आ गया अभी, ठीक है ये ये। राम और श्याम स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी 84 किलोमीटर अपार्ट, राम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ लेस देन दैट ऑफ श्याम, आफ्टर रीचिंग बी श्याम टर्न्स बैक एंड मीट राम एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी राम स्पीड इज। राम और श्याम एक ही समय एक ही स्थान से ए से बी की ओर जो कि 84 किलोमीटर की दूरी पर है चलते हैं, राम की गति श्याम की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, बी पर पहुंचने के बाद श्याम वापस लौटते हुए राम से जिस स्थान पर मिलता है वो बी से 12 किलोमीटर दूर है, राम की गति ज्ञात करें। अब ध्यान से समझना, देखो वही सेम ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा नया रंग रूप दे दिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से राम चलता है किसी स्पीड से, राम चलता है किसी स्पीड से मानो एक्स की स्पीड से, और यहां से श्याम भी चलता है एक्स से 6 किलोमीटर ज्यादा गति से, राम की गति कम है 6 किलोमीटर तो श्याम की गति 6 किलोमीटर ज्यादा है, तो बताओ भाई श्याम पहले पहुंच जाएगा, क्वेश्चन में भी दिया है, फिर ये वापस लौटेगा और वापस लौटते हुए बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये ए से मिलता है, बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, तो पूछ रहा है राम की गति बताओ। देखो भाई एक बात तो तय है, दोनों एक साथ चले थे, तो ये जो राम यहां से यहां जितनी देर में पहुंचा है उतनी देर में श्याम यहां से यहां पहुंचा है, तो राम को लगा समय यहां पहुंचने में और श्याम को लगा समय यहां पहुंचने में इक्वल है, मतलब दोनों का टाइम जो है वो इक्वल है, राम का समय और श्याम का समय क्या है इक्वल है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की चली हुई दूरी अलग अलग है। अगर दूरी की बात करें तो ए से बी की दूरी कितनी है 84 किलोमीटर, और श्याम ने कितनी चली है 84 तो इधर चली और 12 ये चली, अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम ने 96 किलोमीटर दूरी चली है। बताओ किसी को कोई डाउट है भाई श्याम ने कितनी दूरी चली है, यहां से यहां तक 84 फिर 12 ये चली 96 और राम ने वही 12 किलोमीटर कम चली है, तो 84 में से 12 घटा दो, टाइम बराबर क्या होता है चली गई दूरी बटे समय, बराबर क्या होता है चली गई दूरी बटे चार,
राम की चाल है एक्स और श्याम की चाल है एक्स प्लस छ। कोई ऐसी वैल्यू फिट कर लो जिसे रखने पे ये दोनों सेम आ जाते हैं, ऑप्शन से ये दोनों बराबर आने चाहिए एक्स की वैल्यू रखने पे। अगर 16 रखें तो 16 से 72 कटेगा नहीं पूरा पूरा, 12 रख लें, 12 रखेंगे तो 12 छिंग 72 6 आएगा, और 12 6 18 से ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, मतलब पूरा 6 तो नहीं आएगा। 18 रख लें, अगर इसे 18 रखें तो ये 18 चौक 72 4 आ जाएगा एक्स की जगह, और यहाँ 18 6 24 रखेंगे तो 24 से ये भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब एक्स की जगह 18 रखने से ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है। ऐसे में एक्स का मान या राम की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 18 किलोमीटर पर। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। तुषार आपने सबसे पहले और बहुत पहले आंसर कर दिया था, कांग्रेचुलेशंस। समझ लगानी पड़ेगी आप लोगों कि कहां पे कैसे लगे। टाइम एंड डिस्टेंस वाइड टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, परसेंटेज, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। सबसे बड़े की बात करें तो टाइम एंड वर्क ही, नंबर सिस्टम के बाद सबसे बड़ा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड वर्क नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस। 250 से ज्यादा सवाल जो मैं कराऊंगा। सही है भाई, किसी को कोई डाउट हो? सिमिलर क्वेश्चन है, सही है? देखो ध्यान से, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 12 किलोमीटर की दूरी पे हैं। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 12 किलोमीटर अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी है ए और बी के बीच। पी स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी। पी भी ए से बी की ओर जाता है और Q भी A से B की ओर जाता है, दोनों A से B की ओर जाते हैं। फिर कह रहा है उससे 15 मिनट बाद Q भी A से B की ओर जाता है, ठीक है ना? उससे 15 मिनट बाद P A से B की ओर जाता है, उसके 15 मिनट बाद, ये 15 मिनट बाद चला है पहले वाले, 15 मिनट बाद, पहले वाला तो चल चुका, ये बाद में चला 15 मिनट। P बिंदु B पर पहुंचकर वापस लौटते हुए 3 किलोमीटर चलने पर, देखो P जो है वो पहुंच जाता है, P पहले चला था, स्पीड का हालांकि हमें कोई आइडिया नहीं है किसकी कितनी है। और जब लौटता है तो B से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये Q से मिलता है, मानो यहाँ मिलता है, ठीक है? ये पहुंच गया, पहुंच के वापस आया, हालांकि ये 15 मिनट बाद चला था, ध्यान देना। फिर कह रहा है अगर P 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी चलता है तो Q 1 किलोमीटर दूरी में कितना समय लगता है। मतलब P की स्पीड आपको गिवन है, ध्यान देख, P की स्पीड आपको पता है। P 10 मिनट में कितना चलता है, 2 किलोमीटर, तो बताओ 60 मिनट में कितना चलेगा, 6 गुना ही तो 12 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितना चलता है, 12 किलोमीटर। पी की बात आपको दे रही, क्यू की चाल आपसे पूछ रही। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 12 किलोमीटर पी यहाँ से यहाँ गया और वहां से 3 किलोमीटर इधर आया, तो पी ने कुल मिलाकर कितनी दूरी चली। अगर पी की दूरी आप कहें तो पी ने दूरी कितनी चली है, 12 ये और 3 ये, 15 किलोमीटर। इसकी स्पीड भी आपको पता है 12 किलोमीटर पर, तो P का टाइम निकाला जा सकता है, P कितनी देर में यहां से यहां पहुंचा है भी निकाल सकते हैं। 15 किलोमीटर दूरी चली है, 12 की स्पीड से चली है, ऐसे में आप इसका टाइम निकाल सकते हैं। इसका टाइम कितना आएगा,
पांच बटे चार। थैंक यू। पांच बटे चार का मतलब क्या हो जाएगा, इसे 60 से गुणा कर लो, 75 मिनट, 75 मिनट। ये 75 मिनट में यहां से यहां पहुंचा है। और जरा Q देखो, Q 15 मिनट बाद चला था, मतलब Q यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा है, 60 मिनट में। Q यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा है भाई, ये 75 मिनट में यहां आया, ये 15 मिनट बाद चला था, तो 60 मिनट में यहां से यहां गया है। 60 मिनट में कितना गया है, यहां से यहां। और यहां से यहां की दूरी कितनी है, देखो टोटल दूरी है 12, 12 में से 3 ये बी उसने चली, पी ने, तो इधर वाली दूरी कितनी रह जाएगी, 9 किलोमीटर। इस 9 किलोमीटर की दूरी को इसने 60 मिनट में चला है। आप ये कह सकते हैं 9 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में। वो पूछ रहा है कि एक किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, तो एक किलोमीटर चलेगा 60 बटे 9 मिनट में, माने 20 बटे 3 मिनट। ये आंसर होना चाहिए। बताओ किसी को कोई डाउट है तो। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बशर्ते आप उसकी पूरी बात सुने। एक बार फिर देख लो भाई, जैसे जैसे बोला है उसने वैसे वैसे करते चले जाओ। थोड़ा ज्यादा जगह में बना लेते हैं। कह रहा है ए और बी एक दूसरे से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी। पी ए से बी की ओर जाता है और क्यू भी ए से बी की ओर जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद। फिर कह रहा है पी बिंदु बी पर पहुंचकर वापस लौटते हुए 3 किलोमीटर चलने के बाद कि उसे मिलता है। पी जो है बी पर पहुंच जाता है और यहां से जब वापस लौट रहा होता है तो बी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिल जाता है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं पी ने कितनी दूरी चली, तो ए से बी 12 किलोमीटर तो ये चली, 3 किलोमीटर ये चली, 12 × 3 = 15 किलोमीटर दूरी किसने चली। P की अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो उसने 15 किलोमीटर दूरी चली। और Q ने कितनी दूरी चली, Q यहां से यहां गया है, मतलब 9 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इसने इधर चल दी थी, टोटल दूरी 12 थी, 12 में से 9 किसकी बची, Q की। Q ने कितनी दूरी तय की है, 9 किलोमीटर। समझ रहे ना। अब ध्यान से देखो, P की स्पीड दे रखी है, P 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 6 × 12 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, माने इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगर मैं कहूँ पी को कितना टाइम लगा, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम बराबर होता है दूरी बटे समय। पी ने दूरी चली है 15 किलोमीटर और कितने चाल से चली है, 12 की स्पीड से, इसे 60 से गुणा कर ले मिनट में बदलने के लिए, 75 मिनट। पी 75 मिनट में यहां से यहां आया है, पी 75 मिनट में यहां पहुंचा है। तो अगर पी 75 मिनट में पहुंचा है, तो क्यू यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा है, क्यू 15 मिनट बाद चला था, मतलब यहां से यहां 60 मिनट में पहुंचा है। कपिल बताओ समझ आ रहा है। जी सर आ रहा है। ये समझ में आया कि इसे 75 मिनट लगे। जी सर। और Q को 60 मिनट लगेंगे, ये समझ में आया। हाँ जी सर, 15 मिनट बाद चला। ठीक है। अब देखो Q ने 9 किलोमीटर दूरी चली है 60 मिनट में, और वो पूछ रहा है Q 1 किलोमीटर दूरी कितने समय में चलेगा, तो 9 किलोमीटर अगर 60 मिनट में चली है, तो 1 किलोमीटर 60 बटे 9 मिनट में चलेगा, माने 20 बटे 3 मिनट। 3 मिनट सही सर। सही है जी सर। समझ। जी सर। ठीक, म्यूट कर लें खुद। ये जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाने की कोशिश की जाती है, तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें डेटा तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसे बहुत घुमा फिरा के दिया जाता है।
31 देखें, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 143 मीटर पीछे है, समझ रहे हैं ना। अ कांस्टेबल इज 143 मीटर्स बिहाइंड अ थीफ, थीफ की स्पेलिंग गलत। पुलिस वाले और चोर की स्पीड जो है वो 24 मीटर पर मिनट और 11 मीटर पर मिनट है। आप इससे क्या समझते हैं? ये लिखा है 24 मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या है? एक मिनट में 24 मीटर दौड़ता है। 11 मीटर पर मिनट का मतलब क्या है? एक मिनट में 11 मीटर दौड़ता है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? आसान बात भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 143 मीटर। चोर इधर को भाग रहा है और पुलिस वाला भी उसके पीछे इधर को ही भाग रहा है, समझ रहे हैं? दोनों इधर को ही दौड़ रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी है 143 मीटर। पूछा है कितनी देर में पकड़ लेगा, टाइम की बात कर रहा है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी, 143 मीटर, और दोनों की चालों में अंतर। अंतर क्यों निकालना है? क्योंकि जब दो लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें घटा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड लगानी। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि अगर चोर 11 मीटर दौड़ता है तो पुलिस वाला 24 दौड़ता है, माने 11 तो वो दौड़ता ही दौड़ता है, 13 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ता है। और ये जो एक्स्ट्रा दौड़ता है इसी वजह से तो ये इसे पकड़ पाएगा, अगर दोनों 11-11 दौड़ते कैसे पकड़ता। तो इसलिए अपॉन में चालों का अंतर 24 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 143 अपॉन 13, 11 मिनट। 11 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे जब आप बढ़ोगे तो 10-12 क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ क्वेश्चन बनते हैं। किसी को डाउट नहीं है इसमें? ये बताओ, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूं, तब तक इसे करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो जरा।